हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल का है। इंप्लीमेंटेशन देखेंगे डीएफए का कि किस तरीके से हम लोग डीएफए को यूज कर सकते हैं व्हेन अ लैंग्वेज इज लेंथ बेस्ड। जब आपकी कोई लैंग्वेज जो है वो लेंथ बेस्ड हो, लेंथ मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो लेंथ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सबसे बेसिक क्वेश्चन, लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड इन सच ए वे सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एग्जैक्टली लेंथ ऑफ टू। मतलब मेरी ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स दिख रही है आपको, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट ऑल द सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स आर हैविंग देयर लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू टू। सभी स्ट्रिंग्स की लेंथ मेरी टू है, एग्जैक्टली टू, सिर्फ टू नहीं, एग्जैक्टली टू। दैट इज ए ए ए बी बी ए बी बी। मैंने ए और बी क्यों यूज किया? बिकॉज दैट इज माई अलाउडेड इनपुट सिंबल दैट आई कैन यूज इन माई फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अभी इस डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को तैयार करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा भैया? इनिशियल स्टेट। तो हमने ले लिया इनिशियल स्टेट, ये मेरा इनिशियल स्टेट तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है? What I have to do? ये basic चीज़ है, ये instincts है, आपको दिमाग में रखने हैं। क्या है? Length 2 है। अगर मेरी length 2 है, तो मेरा एक transition जाएगा यहाँ से यहाँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इस state से इस state में transition गया, और इस transition के ऊपर मैं A को use कर सकता हूँ या फिर B। इन दोनों input symbol में से किसी एक को use कर सकता हूँ। एक और आगे जाऊंगा, एक और आगे जाऊंगा तो मेरा एक और input symbol generate होगा, जिसको मतलब स्टेट जनरेट होगा, जहां पे मैंने इसको ए और बी दे दिया, बराबर। अभी मैंने किया क्या है? व्हाट आई हैव डन, यू नो, मैं जब इस स्टेट से इस स्टेट पे जा रहा हूं, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट, आई एम गोइंग टू जनरेट इधर ए और बी। एक तो मैं ए जनरेट करूंगा या बी जनरेट करूंगा, ठीक है। जब मैं इस स्टेट से इस स्टेट पे जाऊंगा तो मैं याद रखूंगा कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे। जब मैं स्टेट से स्टेट तक जाऊंगा तो मैं याद रखूंगा कि भाई साहब मैं यहां तक पहुंचा कैसे, बाय टेकिंग ए और बी। फिर यहाँ पे वापस मैं ए या फिर बी में से कुछ और सिलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। कॉमा जो है इन दोनों के बीच में, इट रिप्रेजेंट, एक तो तू इस ट्रांजिशन के लिए भाई साहब ए सिलेक्ट कर या फिर बी सिलेक्ट कर। तो चलो मैंने ए सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने क्या कर लिया? ए सिलेक्ट कर लिया, या फिर चलो मैंने बी सिलेक्ट कर लिया। सो मेरी स्ट्रिंग जो है ये क्या हो गई? लेंथ टू की हो गई, प्लस ये जो मेरी स्ट्रिंग है लैंग्वेज में भी प्रेजेंट है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो मेरे लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। मैं क्या करूंगा? उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर दूंगा। समझ में आ गया ना आपको? तो ये क्या हो गया? एक तरीके का मेरा डीएफए। लेकिन डीएफए कंप्लीट हुआ है क्या? डीएफए तब आपका कंप्लीट होता है जब आप हर स्टेट से जुड़े हुए। सी, हर स्टेट में दो ट्रांजिशन देना इस केस में लाजमी है, आपको देना ही पड़ेगा दो ट्रांजिशन। किसके लिए? एक तो ए के लिए और एक तो बी के लिए। यहाँ पे आपने ए बी के लिए दे दिया, चलो ठीक है, यहाँ पे ए बी के लिए दे दिए, स्टेट के लिए दे दिए, लेकिन फाइनल स्टेट का ए बी कहाँ जाएगा? अगर मैंने ए बी कहीं और दे दिए तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है, ए ए से बी हो सकता है या फिर ए हो सकता है, तो लेंथ 3 की हो सकती है, लेकिन मुझे वो नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा? इसको ए बी, ये जो दोनों इनपुट सिंबल्स हैं इस स्टेट के, मैं क्या करूंगा? उसे डेड कॉन्फ़िगरेशन को दे दूंगा। व्हाट आई विल डू, उसे डेड कॉन्फ़िगरेशन को दे दूंगा, और इसके भी जो डेड कॉन्फ़िगरेशन स्टेट के या फिर डेड स्टेट के जो भी मेरे इनपुट सिंबल्स हैं उसे भी मैं उसी को दे दूंगा, और कहीं रिवॉल्व नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी स्टेट है, सी अभी आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि डीएफए काम कैसे करता। अगर मैंने ए ले लिया, So, ये मेरी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? एक्सेप्ट होनी चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रिंग जो है ये वैलिड स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, एक्जैक्टली 2। तो ये क्या होनी चाहिए? एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो मैं शुरुआत करूंगा यहां से, ओके। सो शुरुआत जो मैं यहाँ पे, सो लेट इट बी स्टेट ए, लेट इट बी स्टेट सी, बी एंड सी, ठीक है, ऐसे स्टेट्स हैं। तो जब मैं यहां से शुरू करूंगा, मैं स्टेट ए पे हूं, जब मैं उसको इनपुट ए दूंगा तो वो कहां पे जाएगा? जब मैं उसको इनपुट ए दूंगा तो वो स्टेट बी पे जाएगा, जब उसको इनपुट ए दूंगा वो तो स्टेट बी पे जाएगा। उसके बाद मैंने अगर ए लिया, सो ए बी में से मुझे क्या लेना पड़ेगा? ए लेना पड़ेगा। तो मैं कहां जाऊंगा? इनपुट सी पे जाऊंगा, और सी पे ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज माय फाइनल स्टेट। ये सी पे क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक चीज मैं अभी आपको बताता हूँ इनवैलिड की, बिकॉज वैलिड से लोगों को समझ में आता है, इनवैलिड से बड़ा जल्दी समझ में आता है। अगर मैं लू ए बी ए, तो मैं सबसे पहले ए स्टेट पे हूं, मैं मूव करूंगा विद इनपुट ए, मैं कहां पहुंचूंगा? स्टेट बी पे। स्टेट बी से मैं इनपुट लूंगा बी, और मैं कहां पहुंचूंगा? स्टेट सी पे। लेकिन अभी भी मेरी स्ट्रिंग रुकी नहीं है, और स्ट्रिंग अगर मेरी रुकी नहीं है इसका मतलब वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब लेंथ 2 तो कब की निकल चुकी है, लेंथ 3 की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं क्या लूंगा? यहां से वापस ट्रांजिशन लूंगा सी से ए, सी को जब मैं ए इनपुट लूंगा तो वो कहां जा रहा है? डी स्टेट पे जा रहा है, जो कि मेरा डेड स्टेट है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा नॉन फाइनल स्टेट है, ये बल्कि मेरा डेड स्टेट है, बिकॉज इस स्टेट से मैं वापस कहीं और किसी स्टेट में आ नहीं पा रहा हूं। सो ये मेरा डेड स्टेट है, ये फाइनल स्टेट। तो ये मेरी स्ट्रिंग क्या हो गई? ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई,
और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई बिकॉज ये स्ट्रिंग मेरी इस लैंग्वेज को बिलोंग करती है, और इस लैंग्वेज का हमने क्या किया, एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जिसका नेचर डिटर्मिनिस्टिक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि लेंथ बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, आगे और हम लोग देखेंगे। ये तो मैंने एक्जैक्टली लेंथ 2 के लिए देखा था, अब हम देखेंगे एटलीस्ट लेंथ 2 या फिर एटमोस्ट लेंथ 2 के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो वो तीन मैजिकल चीजें जो सिर्फ आप कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।